आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने इस चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट पर अपना सुझाव देना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझे ना देखो तो मुझे सामी, मैं कोई एक छोटी सी गुड़िया हूँ क्या जब मैं दूसरे के बहकाने में आ जाऊंगी? देखो, ये जो सब बाहर हो रहा है इसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़ो सब बातों को और ले गया चंपा को उस परिंदे के घर, ले गया शंकर ने है मुंह दिखाने के काबिल न जगे में रही, मुंह दिखाने के काबिल न जगे में रही। रानी, आखिर इन सब बातों से क्या मतलब तुम्हारे? कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये कोई बात हुई? किसी की बहन बेटी, और मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ। रानी, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कहेगा जमाना? अरे मैंने कहा कि सब बातों को छोड़ो, सुनो मेरी बात। और कि छोड़ो, बैठो मेरे पास आओ। रानी कभी नहीं आपके पास बैठेगी। जब तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कहना हर किसी नहीं मानूंगी। ये भी याद रखना, अब तुम्हारी बातों को मैं सारे मोहल्ले में, सारे गांव में जाकर सबसे बताऊंगी कि मेरा स्वामी ऐसा गद्दार है। हाँ रानी, बड़ी देर से तुम्हारी बातों को मैं सुनता जा रहा हूँ। सुनो हमारी बात, बस बहुत सुन चुका, अब बंद कर तू जुबा। बस बस बहुत सुन चुका, बंद कर तू जुबा। कर रखूंगा अभी कहां से मिटा, अपनी हद में रहो, खैरियत कर चहो, तंग बातों में मेरी। आपने भूले हो, मैं सारे मोहल्ले में बता के रहूंगी। सारे मोहल्ले में, सारे मोहल्ले में।
रानी तुम्हारी औकात मेरे स्वामी ऐसा गद्दार है मकार है। रानी जुबान को ताला लगाओ, ये सोच लो कि तुम्हारी औकात सिर्फ इस चौखट के अंदर है। अगर इसके बाहर एक भी लफ्ज निकला तो तुम्हारा शीश जमीन पर लुढ़कता हुआ नजर आएगा। जब तुम्हारी जुबान नहीं बंद होगी तो मेरी जुबान कभी नहीं बंद होगी, मैं सारे मोहल्ले में बताऊंगी। जय भगवान, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। अगर उस चंपा की जगह पर मैं होती तो ये क्या करते, अपनी आंखों से देखते। तू है ऐसी जिंदगी में, या बाबा मैं क्या करूं। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमू डमू डमरू बजाना होगा। बस नहीं रामा हम चित्र कुटब मराब, रामा न बस नहीं रामा हम चित्र कुटब मराब, रामा न बस नहीं कुटब मराब चित्र कुटब मराब कुटब मराब चित्र। तू तो जानता है कि ये ठाकुर तेरा उदास हुआ तो समझ ले कि सब उदास हो जाते हैं। अगर तेरा ठाकुर खुश है तो समझो सब खुश हैं, और ये तेरा ठाकुर आज उदास है। ठाकुर साहब यही तो बात है कि मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूं। बंसी
हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो, हमारी उदासी का कारण क्या है। ये आपका ठाकुर आज किस लिए इतना उदास है और क्यों इतना बेचित है? बोले ठाकुर साहब, आखिर क्या बात है? बंसी, हमेशा तुझ पर मुझे नाच आ रहता है रहा है और आज भी ऐसा लग रहा है कि जो मैं बात कहूंगा वो करेगा, इसीलिए तुझे मैं दरबार में बुलाया हूं। दोस्त बंसी, बोलिए ठाकुर साहब। एक लड़की है जो तेरे इस ठाकुर के मन को भा गई है। वो लड़की हमारे हाथ नहीं आ रही है, हमारा हुक्म है कि जैसे भी हो अगर राजी से माने तो, बेराजी से माने तो, धन से माने तो और बल से माने तो उसे तुझे हमारे पास लाना है। अगर कोई तेरे सामने आ भी जाए तो ये सोच लेना कि वो तेरा दुश्मन है और मेरा दुश्मन है, उसे खत्म कर उस लड़की को तुझे हमारे पास लेकर आना है। और उसके एवज में जब तू लड़की को लाएगा जितना धन तू चाहेगा तुझे मिल जाएगा। अच्छी बात है ठाकुर साहब, लेकिन आपने नहीं बताया कि उस लड़की का नाम क्या है। दोस्त वंशी, उस लड़की का नाम है नीतू। नीतू? हाँ, ये तो अपनी रैयत की है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपका आदेश सर आंखों पर। जाओ बंसी, ये मेरा आदेश है, तुरंत तत्काल बजाओ। देखो बंसी, तुमने ठाकुर साहब तो से तो हाथ तो भर लिया, लेकिन ये सोच लो कि अब तक जो भी काम करते आए हो वो तो सारे छोटे मोटे काम है। अगर इसमें तुम्हारे सामने कोई बड़ी से बड़ी बाधा आ गई तो बोलो क्या तुम उसको झेलोगे या नहीं? कांता सिंह, तुमको मालूम होना चाहिए कि बंसी, ये बंसी जहां पर ठाकुर सिंह का पसीना बहता है वहां अपना खून बहाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जहां पर ठाकुर साहब का पसीना बहता है वहां पर तुम अपना खून बहाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बंसी, अगर वहीं पर तुम्हें अपनों का खून बहाना पड़ जाए तो बोलो आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे? कांता सिंह, मैंने कह दिया कि अपनों का खून अगर बहाना पड़ेगा तो मैं अपनों का भी खून बहा दूंगा, अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। बहुत खून मेरे यार, जाओ जाओ अपना काम फतेह करके आओ। साहब देखा ना गुरसाहब, मुझे यह विश्वास है कि बंसी को जो हमने काम दिया है वो अवश्य पूरा करेगा, अवश्य पूरा करेगा। चाहे उसे अपनी जान के लिए देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े वो काम अवश्य करेगा। अरे साले, मरेंगे तो दोनों भाई में एक एक मरेगा मान लो, तो उसमें हमारा क्या जाता है ठाकुर? हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारा तो काम है। ठाकुरों की एक कहावत चली आई है ठाकुर साहब। कौन सी कहावत है? वही कहावत है कि खाओ कम और खिलाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। बहुत सही। और मालिक क्या है? मारो कम मराओ ज्यादा। तुम पंचे बात नहीं समझ। इतना मारूंगा साले के जमीन में धस जाओगे। बात समझो मालिक, मतलब तुम पंचे बड़े लोग आए हो और हम छोट लोग आए ना, तुम मतलब जैसे दूसरे के मरवावक हुई तो हमका भेज दे हो, हम मारे जाइबे, एक लड़ाई और दंगा हुई थाने बंद हो जाए, तुम पंचे छोड़ा ली हो। ये बात है, ये कहे तो मारो कम मरवाओ ज्यादा। ऐसी बात है, सही बात है, ठीक है। कांता, इसी बात पर मुझे एक चीज याद आ गई। बोलो दोस्त, सुनो हमारी बात। फरमाइए। और कोई काम नहीं है मुश्किली, और जब किया इरादा पक्का कि मैं हूं आदमी सड़क का।
तुम कहाँ गा रहे हो मालिक? तू क्या गाया है? तुम यहाँ तो गा रहे हो कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी छक्का। मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क। मालिक या का बात हमें नहीं समझ में आ रही। क्यों रे? मैं हूँ आदमी सड़क का तुम दोनों जने सड़क पर पैदा। अपने जवान को लगान दे साले, नहीं बहुत मारूंगा। सड़कों पर हमारी दादागिरी चलती है। अच्छा यह बात है, दिमाग कुछ और लगा। मान लो हम सोचे निकल लो, मतलब तुम्हारी अम्मा इसी सड़क पहुंच जाती है, कोनो भेटा गो। अरे कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क का। हाँ भैया, अब करम मनोरंजन आराम से, जो कोई तही देखा जाए। अरे एकाकी अरिया माँ जो बोयो बाबूल, दूसरी माँ बोया वो धान रे, तीसरी की अरिया माँ तुम बैठो बाबूल, बेटी खाती हो कन्या। कहाँ रे मौलाबाद में तेरे? साले कहना ना पड़े, हवेली खाली देखा, साला सोहर शुरू कर दिया। चलो मालिक अपना गए भाई, अब नहीं गाना, अपना गए भाई। चलो। अरे वैसे बहुत दीना ना केरे, पहले सो राजा है, दशरथ अयोध्या है नगरी हो, वैसे बहुत नाना तेरे, पहले सो राजा रहा है, दशरथ अयोध्या रहा है नगरी हो, वैसे बाबा मां बैठे राजा, दशरथ माना ही माना, सोचे माना ही माना, सोचे हो वैसे कर ही मातीनी तीनी, रनिया तो कहूँ केला, रनवा तो सारे बता साहसिमू पारी सहज राम के लड़का का बताई सारे दोगला हसीमू बनावत सारे। अब न गयो? अब न गए मालिक, अब किला अगर गई तो हाथी गु खाए। हाँ तुम न गु खाओ, तुम खा लियो। अबे साले शांति से बैठिएगा। अब न गए, चलो चलो। अरे नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे में है लिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे में है लिया, हर घर मन ने जाकर देखा मिली ना कुकुरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे में। तो एक कतरी बात समझाएगा मारे, और तू साला समझ नहीं रहा है। चलो मालिक साथ है, चलना अपना भी। अब मत गाना, अब ना गाना, वरना साले तेल लगा के मारूंगा। अरे भाभी सोए अंगना भैया जी दुआरे, अरे भाभी सोए अंगना, अरे भैया जी दुआरे, गजा बस टी मारे चटा पिछू मारे, गजा बस टी मारे चटा पिछू मारे। साले समझा चुका तुझको, तेरी कलम नहीं आ रहा। मालिक 10 लाख का बीमा बनवान सोच रहे हो? साले बीमा तेरा उखाड़ तेरे ही रंग डाल दूंगा। जीवन बीमा है हमारा। चलो मालिक अपने घर। अब मत गाना, देख टाइम बहुत कम बची है। चलो मालिक, चलो। हाँ साहब,
इधर कहानी पे ध्यान देना, इधर देखिए कौन, वही नीतु रामदास का इंतजार करती है, और उधर से कौन, वही बंसी आता है, और देखिए दोनों में क्या बातचीत होती क्या नहीं, इधर देखिए क्या बताऊं, जब से मेरी मुलाकात रामदास से हुई मुझे न रातों में नींद आती और न चैन मिलता है। कहां हो तुम रामदास, कब मिलोगे मुझे, और तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन आनी जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन चैनो, ये शंकर सिंह का भेजा हुआ दूत आज तुम्हारे पास आया है। कौन? बंसी भैया आप? हाँ हाँ, ये बंसी तुम्हारे सामने खड़ा है जो एक पैगाम लेकर शंकर सिंह का तुम्हारे पास आया है। कैसा पैगाम बंसी भैया? नीतु। हाँ भैया। तुम्हारी इतनी मीठी आवाज और सुरीली तान को सुन करके तुम्हारी आवाज के पीछे पीछे भागता हुआ तुम्हारे पास आया है। जरा गौर करके सुनिएगा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनो हमारी बात।
और छनकती बहुत आज और गुलनार चली जा रही है। आपके सामने हाथ मैं जोड़ती आपके सामने हाथ मैं जोड़ती जुल्म ऐसा गरीबों पे ढाओ
वो बैठाओ नहीं, वरना ये कान सुनू करके मेरे मर जाएंगे। इस अभागन पे थोड़ा रही नीतू, इतनी देर से समझा रहा हूं और मेरी बातों को टालती चली जा रही है। हराम जादी साली नितुआ, दो टके की लौंडिया और हमसे तानाशाही कर रही है। चुपचाप मेरी बात मान और सीधा हवेली की तरफ मेरे साथ। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब, यानी जिसकी कंपनी देख रहे हैं छोटू भैया की, उनके पिताजी की तरफ से 500 की नोट से 251 रुपए का पुरस्कार है। 500, धन्यवाद धन्यवाद। नीतू चुपचाप मेरे साथ चल, वरना इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं बंसी भैया। ससुरी, दो टके की लौंडिया हमसे तानाशाही, अरे बेवकूफ लड़की, मेरी जान से डर, मेरी सोना से डर। तुझे मालूम होना चाहिए कि सर पर शंकर सिंह का हाथ है और सुपरी कला में किसी माई के लाल में औकात नहीं है जो कि आज मेरे हाथों से तुझे बचा सके। किस प्रकार तू मेरे साथ रह जाएगी? भैया ये पाप क्यों इस घड़ी कर रहे, कर्म गरत ना भैया, जरा छोड़ दो लड़की को अपने हाथों से, अब वरना अंजाम इसका काम मेरा दखल तो हमारे जरा काम। गुस्सा चढ़ा, रास्ते से तू हट जा और भाई मेरे, वरना तू मार खा जाए। भैया ये इंसानियत है नहीं आपकी भैया। चाहो उसे लेते हो तुम उठाओ, हो जाना राज जिस दिन वो परमात्मा हो अंजाम इसका। छोटा लड़का तो मुझसे चुना होके जाएगा, आज जबरन उठा करके ले जाऊंगा, तुझ में हिम्मत है तो फिर जान चाहे हमारी और जाए चली जान। ये तेरे साथ नहीं जाएगी, लड़ने का हौसला है तो चाहिए फैसला मौत एक पल में। देखता हूं तू कैसे तुझे रोकता दे, देखता हूं तू
तुझमे हिम्मत है तो फिर रामदास मेरे भाई, मैं बार बार तुझे समझा रहा हूं कि चुपचाप मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो, यहां से चले जाओ। सर मानी चाहिए आपको बड़े भैया, जो आप तो मैं बड़े भैया कह रहा हूं, ऐसा नीच काम करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? ऐसा हरगिज नहीं होगा हमारे होते हुए। रामदास आज आज ऐसा होकर के रहेगा और देखता हूं क्या आज मुझे कौन रोकता है। आज इस लड़के के लिए मैंने ठाकुर साहब को वचन दिया है, आज अगर अफरों का खून बहाना पड़ेगा क्या? तो अपन से पीछे नहीं हटेगा, तैयार हो जाओ। आज रिवॉल्वर हमारे हाथ में है और इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने को छलनी कर देगी। ये आपकी गोली? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपकी गोली खाने के लिए। चला गोली। अब भी वक्त है तेरे पास, तू जा सकता है, अगर नहीं जाना चाहता है तो फिर ये ले जानो मरे। आराम जादी देख, तेरे लिए आज अपने भाई का खून बहाया है। साहब इधर कहने पे ध्यान देना, इधर देखिए कौन, वही ठाकुर और कामता हवेली में बैठे हैं, उधर से कौन, वही बंसी लड़की को लेकर आता है। आप लोग कहने पे ध्यान दें, इधर देखिए ठाकुर। अबे ओए बंसी आया या नहीं? अबे नहीं आया, अभी नहीं आया। हाँ बैठो बैठो इंतजार।